नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। इस वीडियो में अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जैकुआर का 5 डायवर्टर लगा हुआ है। इसका वीडियो मैंने दिया था आपको, किसी पीवीसी पाइप फिटिंग आप कैसे करेंगे, डायवर्टर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये जो डायवर्टर है इसके कार्टेज के अंदर आ गया है कचड़ा और प्रेशर यहाँ पे आ रहा है कम। तो अभी यहाँ पे स्पाउट लगाना, उसके बाद यहाँ पे इसका कवर प्लेट फिक्स करना, उसके बाद ऊपर देखिए शावर का पॉइंट है तो वहाँ पे शावर लगाना। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप करेंगे। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो में वो ये है कि यहाँ पे डायवर्टर में कचड़ा है कार्टेज के अंदर, तो अभी ये कैसे क्लीन होगा, कार्टेज को कैसे खोलना है, किस साइज का कौन सा टूल्स लगता है, सब मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब आइए सबसे पहले यहाँ पे स्पाउट को फिट करता हूँ मैं, उसके बाद शावर लगाता हूँ, उसके बाद ये खुलेगा, मैं आपको बताऊंगा खोलने का तरीका, क्लीन करने का तरीका। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये देखिए सारा सामान है यहाँ पे, ये काबा का शावर है लोकल, देखिए यहाँ पे ये शावर हो गया। उसके बाद 2 फीट का यहाँ पे आर्म है, आर्म हर साइज का आप आता है, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये काबा का शावर है तो इसमें टेपलॉन लगाना पड़ा है, पहले से ही थोड़ा सा लगाया है, और यहाँ भी पीछे टेपलॉन लगेगा। उसके बाद स्पाउट अपना इसमें है, देखिए ये स्पाउट हो गया जैकुआर का, 2-in-1 स्पाउट भी आता है हैंड शावर को कनेक्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे ये कवर दिया हुआ है, दरअसल ये जो पीवीसी वाला है, देखिए मैं बताता हूँ किस लिए दिया है, ये जो है ना ये गार्ड है। जब आप इस तरह से अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो जब आप टाइट करते हैं तो ये दब जाता है, ये दबे ना, इसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसको आप लगा लेंगे, देखिए ये इस तरह से लगेगा। उसके बाद अब यहाँ पे स्पाउट लगाना है, अब इसमें टेपलॉन लगाएंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लगा के देखना ये टाइल से चिपक रहा है कि नहीं, देखिए तो अभी बिल्कुल सही है। मिनिमम जो है 35 राउंड और मैक्सिमम 40 राउंड तक टेपलॉन को आपको लगाना है। और साथ में देखिए यहाँ पे ये जो है ये कनेक्टर इसका खुल के अलग हो जाता है, तो यहाँ पे ये आप चेक करेंगे, इसको थोड़ा टाइट कर देना है, देखिए इस तरह से टाइट कर देना है, अदरवाइज ये घूम सकता है, ये निकल जाता है, इसके अंदर वाशर होता है वो वाटर लीक नहीं करता है। देखिए टेफ्लॉन को लगा दिया, अब इसको टाइट करेंगे यहाँ पे। देखिए स्पाउट यहाँ पे लग चुका है, आप देख सकते हैं लग गया। अब शावर लगेगा, देखिए ये शावर आर्म है, अब यहाँ भी टेफ्लॉन लगाना होगा, पहले सीपी फ्लांज यहाँ पे लगेगा साथ में। देखिए पहले इसको भी चेक करना है ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, देखिए तो अभी ये यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसमें एक्सटेंशन लगाना होगा। देखिए वाल से 2 फीट आगे आया है, अच्छा दिख रहा है। अब ये 6x6 का शावर है, अब ये डिपेंड करता है कितना हाइट पे आपका टैंक है, अगर ज़्यादा बड़ा शावर लगाएंगे तो फिर प्रेशर कम आएगा, इसलिए छोटा शावर आप लगाइए ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये 6x6 का है और टैंक का जो हाइट है वो 12 फीट पर है, इसलिए 6x6 का शावर लगा है, 2 फीट का आर्म है। शावर यहाँ पर लग गया, स्पाउट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर इसके अंदर तो है कचड़ा, इसलिए कवर प्लेट यहाँ पे लगेगा नहीं, बाद में लगेगा, पहले मैं आपको बताता हूँ क्लीन आपको कैसे करना है, कैसे खोलना है। कवर प्लेट मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस बॉक्स में है, देखिए ये कवर है, यहाँ पे 2 असर है, ये शावर वाला नॉब वाला और ये मेन कार्टेज वाला हैंडल वाला। देखिए हैंडल इसका यहाँ पे है, उसके बाद ये देखिए शावर वाला नॉब इसमें होगा, छोटा सा है ये, ये देखिए ये शावर वाला नॉब है, तो ये हैंडल हो गया, ये शावर नॉब हो गया, एक एलनकी देता है टाइट करने के लिए 3 नंबर। और देखिए यहाँ पे प्लेट है डायवर्टर का, इस पर लिखा हुआ है, ऊपर टैंक लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड हॉट लिखा है, राइट साइड फ्रेश वाटर लिखा है। तो अभी कवर प्लेट को फिक्स करने से पहले सबसे पहले इसका कचड़ा मुझे साफ करना है, कार्टेज खोलना है। ये वाला जो कवर है क्रोम वाला, इसको पहले बाहर निकालना, आपको इस तरह से घुमा के वाशर पर होता है, ये देखिए ये वाशर है, अब देखिए और ये नीचे शावर नॉब है, ये घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, देखिए ये खुल गया,
ये स्प्रिंग होता है, देखिए इस तरह से, तब ये प्रेस होता है। अब सबसे पहले कार्टेज को खोलेंगे पाइप रिंच से, और उसके बाद नीचे वाला जो है इसमें छोटा सा टूल लगेगा, तकरीबन 19 नंबर का। देखिए अभी मैं घुमा दिया हूँ तो पानी लीक कर रहा है, और ध्यान रहे जब आप ये कार्टेज को खोल रहे हो ना तो फर्श बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई भी छोटा सा वाशर अगर गिरता है तो फिर गायब हो जाएगा, तो दिक्कत होगा, इसलिए बिल्कुल साफ सफाई हो, सावधानी से काम करना आपको। देखिए नट को खोलेंगे, उसके बाद देखिए ये कार्टेज है, कार्टेज इस तरह से बाहर आ जाएगा, सावधानी से करना है। देखिए ये जो वाशर है ना, ये वाशर इसमें गिरना नहीं चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए। अभी देखिए इसमें कोई भी कचड़ा नहीं है कुछ भी, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कचड़ा कहाँ पे है। कार्टेज खोल लिया, उसके बाद हम नीचे वाला सावर नॉब खोलेंगे। सावर नॉब के लिए स्क्रू रिंच या फिर ये देखिए ये जो तोड़ता प्लायर है ये होना चाहिए, इससे आप पकड़ के खोल लेंगे। देखिए सावर वाला जो ये जो नॉब है इसका, सावर वाले का कार्टेज देखिए मैं खोल लिया, देखिए कार्टेज को खोल दिया मैं। अब मैं अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो देखिए ये जो सबसे ऊपर वाला जो ये होल आप देख रहे हैं ना, ये दरअसल ये जो तीनों होल है ये तो है, एक तो मोटर वाला है ये सबसे ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हैं, उसके बाद ये वाला जो है अपना ये टैंक वाला, उसके बाद ये वाला जो है ये हॉट वाटर वाला, उसके बाद अब ये वाला जो है ना यही है मेन आउटलेट अपना, जिससे सावर में पानी जाता है और स्पाउट में पानी आता है। तो इसी में मेन वाले में अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो देखिए जो पाइप हम लोग काटते हैं ना उसका बुरादा इसके अंदर फंसा हुआ है, जो कि दिखता नहीं है। देखिए मुझे दिख रहा है हल्का सा, ये देखिए कैमरे को मूव कर रहा हूँ मैं तो शायद आप देख पाएँ, देखिए वाइट कलर का दिख रहा है आपको, देखिए हल्का सा दिख रहा है, देख रहे हैं ना, देखिए मेन वाले में यहाँ पे ये देखिए वाइट से दिख रहा है, वाइट का वही जो है ये कचड़ा है, पाइप वाला कचड़ा है, तो इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। तो इसको क्या करना है आपको, इसको नुकेले चूज से नेडल से आपको निकालना है बाहर, निकाल लेंगे तब ये प्रेशर थोड़ा सा इसका बढ़ जाएगा। और इस साइड भी अगर आप देख पाएँ तो इस साइड भी थोड़ा सा कचड़ा है, चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये नीडल लेना है और नीडल से ये साफ होगा। अब देखिए जो भी कचरा था यहाँ पे मैं सुई से इसको निकाल दिया हूँ नीडल से, अब जो है यहाँ पे नहीं दिख रहा है कचरा। देखिए पहले जहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा था, देखिए अब वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए इस साइड से दिखाऊँ तो भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ भी, देखिए तो अभी जो है ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे, देखिए ऊपर वाला ही ये मेन होता है, ठीक है, तो यही आपको देखना होता है, यही साफ करना होता है, जिसमें भी कचड़ा रहेगा वो आपको साफ करना पड़ेगा ये सुई से। देखिए अब ये कार्टेज है, कार्टेज को यहाँ पे लगा देना है, बहुत ही आसान है इसको लगाना। देखिए दो लॉक होता है और दो लॉक इसमें भी है, यहाँ पे जाके ये इस तरह से फंस जाएगा, देखिए ये बैठ गया, अब ये टाइट कर देंगे। देखिए मेन वाला टाइट हो गया, मेन कार्टेज पूरा प्रॉपर टाइट करना है, उसके बाद देखिए ये सावर और इस स्पाउट को ऑन ऑफ करने वाला नॉब है, ये भी आप यहाँ पे टाइट करेंगे। देखिए टाइट कर दिया इसको भी मैं, एक बार सप्लाई को ऑन करके इसका प्रेशर मैं आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे लगेगा कवर प्लेट इसका। वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सावर वाला जो नॉब है ना, ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये होल्ड नहीं होता, तो क्यों नहीं होल्ड होता है बताऊंगा मैं, किस तरह से आपको करना है, ठीक है, तरीका बताऊंगा किस तरह से ये होल्ड होगा।
देखिए तो अभी स्पाउट चल रहा है, ये स्पाउट में भी कचड़ा हो सकता है। और ये आप देखिए यहाँ पे ये अभी शावर चलने लगा, देख सकते हैं आप, ये शावर चल रहा है। ठीक है तो अभी ये बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ पे कवर प्लेट इसका मैं लगा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा ये क्यों नहीं होल्ड होता है शावर वाला बटन। 5-way डायवर्टर है ये, 3 inlet 2 outlet, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये शावर वाला है, स्प्रिंग यहाँ पर रहना चाहिए, नहीं होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। देखिए शावर वाला नॉब यहाँ पे टाइट हो गया कवर इसका। ये हैंडल है, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, ये जो एलन की है इससे। देखिए ये प्लास्टिक है, इसको निकाल देना है, ये यहाँ पे लगेगा नहीं। इसके साथ वाला है वो गायब हो गया है, टाइल्स वाला निकाल के फेंक दिया है। और अगर आप इसको इस तरह से डायरेक्ट टाइट करेंगे तो फिर ये बार बार खुल जाएगा, कस्टमर कंप्लेन करते हैं। ठीक है अब यहाँ पे आप, लेकिन आपको क्या करना है, अब यहाँ पे किसी भी तरह का PVC यहाँ पे आपको लपेट देना है, हैंडल आपका ढीला नहीं होगा। देखिए कवर प्लेट भी यहाँ पे लग गया, अब इसका हैंडल यहाँ पे टाइट करेंगे। देखिए इसका हैंडल यहाँ पे टाइट हो गया मेन, अब ये शावर वाला यहाँ पे लगाएंगे। इसमें भी देखिए छोटा सा एलन की है टाइट करने के लिए, और अब इसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे घाट दिया हुआ है, इसमें जाके ये बैठ जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लेट और हैंडल, स्पाउट, ऊपर देखिए शावर भी यहाँ पे लग गया है। चलिए अब मैं बताता हूँ यूज करने का तरीका कि डाइवर्टर को आप कैसे यूज करेंगे। देखिए 3 inlet डाइवर्टर है, 2 outlet डाइवर्टर है। 3 inlet में पहला इनलेट यहाँ पे टैंक हो रहा है, दूसरा ये मोटर हो रहा है, तीसरा ये हॉट वाटर हो रहा है। 2 outlet में एक देखिए स्पाउट है और ऊपर यहाँ पे शावर है। तो अभी देखिए यहाँ पे राइट साइड में किया हूँ तो यहाँ पे मोटर है, मोटर भी ऑफ है। तो देखिए यहाँ पे ऑन किया, किसी भी तरह का पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मोटर ऑफ है। देखिए मोटर में पाइप में जो पानी था वही यहाँ पे आ रहा है, तो मोटर बंद है। अब मोटर जो है बाथरूम के अंदर इसलिए दिया गया है ताकि जो है नेचुरल पानी मिले, क्योंकि ठंडी में टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, नहाने में दिक्कत होता है। और इसी के सेम गर्मी में भी टैंक का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, नहाने में दिक्कत होता है। तो जब आप मोटर का पॉइंट यहाँ पे देंगे बाथरूम में या फिर किचन वाले एरिया में, तो वहाँ पे नेचुरल पानी मिलता है, इसीलिए दिया जाता है। देखिए राइट साइड मोटर है, नहीं चल रहा है मोटर, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। सेंटर में करूँगा टैंक आएगा, देखिए टैंक का पानी यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं प्रेशर यहाँ पे मस्त है। 12 feet की हाइट पर टैंक यहाँ पर लगा हुआ है। पहले यहाँ पे अंदर कचड़ा था, कचड़ा जब निकला है तब देखिए यहाँ पे प्रेशर इतना ये आ रहा है। ठीक है अब देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कवर के ऊपर, यहाँ पे टैंक लिखा है, उसके बाद इधर जो है फ्रेश वाटर लिखा है, उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में हॉट वाटर लिखा है। तो अभी देखिए कोल्ड वाटर चल रहा है। अब हॉट वाटर अगर आपको चलाना है तो इसको लेफ्ट साइड में करेंगे, और ऊपर देखिए गीजर अभी नहीं लगा है तो वो बाईपास कनेक्शन हुआ है, कोल्ड वाटर ही यहाँ पे बाईपास होके हॉट वाटर में आ रहा है। कोल्ड वाटर यहाँ पे इसको मैं हॉट वाटर की तरफ किया, देखिए यहाँ पे किया, अब देखिए ऑन हो गया, अब यहाँ पे हॉट वाटर आ रहा है। हॉट गीजर नहीं लगा तो उसकी जगह पे ये कोल्ड वाटर ही आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से हॉट वाटर आएगा। हॉट वाटर का प्रेशर देखिए थोड़ा सा डिक्रीज होता है, अभी कम आ रहा है, कनेक्शन पाइप से बाईपास हो जाता है। और सेंटर में देखिए यहाँ पे अब ये सिर्फ कोल्ड वाटर आ रहा है, टंकी का पानी। अब अगर आपको मिक्स करना है, लग रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा है इधर ये हॉट वाटर वाले का, तो फिर आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे धीरे धीरे। देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे, देखिए यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है ना, क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी आपस में मिल रहा है, तो इस तरह से आप मिक्स कर लेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप धीरे धीरे मिलाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से ये मिक्स होता है। यहाँ पे राइट साइड ये मोटर है, और सिर्फ कोल्ड वाटर चाहिए तो सेंटर में करेंगे। देखिए सिर्फ कोल्ड वाटर यहाँ पे आएगा, और सिर्फ हॉट वाटर चाहिए तो इसको आप इस तरह से करेंगे, हॉट वाटर आएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शावर में आप पानी को कैसे ले जाएंगे, मिक्स कैसे करेंगे, और ये क्यों नहीं होल्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे अभी ये चल रहा है अपना, स्पाउट में पानी आ रहा है। शावर चलाना है, ये जो नॉब है ना नीचे वाला, इसको खींचना है आगे, खींच दिया, उसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमा देना, चाहे राइट घुमाइए या फिर चाहे इसको आप लेफ्ट घुमाइए, ये होल्ड हो जाएगा। देखिए शावर यहाँ पे चल रहा है, शावर का प्रेशर आप देख सकते हैं बढ़िया है। अब जस्ट इसी के ऊपर टैंक लगा हुआ है, तो प्रेशर बढ़ाने का जो तरीका है वो पाइप के जरिए यहाँ पर ये प्रेशर बढ़ाया गया। देखिए यहाँ पर आ रहा है, पहले कचड़ा था, कचड़ा रिमूव हुआ है, तब ये प्रेशर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है अब हॉट वाटर चाहिए शावर पे, देखिए अभी कोल्ड वाटर जा रहा है, हैंडल आप देख सकते हैं सेंटर में है। अब हॉट वाटर चाहिए अगर शावर में तो इसको यहाँ पे करेंगे, देखिए प्रेशर थोड़ा सा भी कम हो जाएगा हॉट वाटर का।
देखिए अब ये हॉट वाटर आ रहा है, मिक्स करना है इसको, धीरे धीरे घुमाएंगे ये मिक्स होगा। देखिए बढ़ गया प्रेशर, और सिर्फ ठंडा पानी चाहिए टैंक वाला, तो यहाँ पे करेंगे। अब मोटर वाला अगर शावर में लेना आपको तो इसको आप इधर कर देंगे, मोटर का आएगा। देखिए मोटर नहीं चल रहा है, शावर बंद हो गया है। देखिए शावर चालू है, स्पाउट में चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, इसको सिर्फ घुमाना है आपको। देखिए मैं घुमा रहा हूँ, देखिए ये जो नॉब है ना, नॉब को ऐसे घुमा के छोड़ दिया, देखिए स्पाउट में चल रहा है। शावर चलाना, इसको खींचा, उसके बाद इस तरह से घुमा दिया, थोड़ा सा राइट घुमाइए चाहे लेफ्ट घुमाइए, रुक गया। देखिए यहाँ पे शावर में पानी आने लगा है, तो कचड़ा था यहाँ पे, पानी अभी सही आ रहा है देखिए इस पाउच में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में देखा आपने, मैंने आपको बताया कि स्पाउट आप कैसे लगाएंगे, कवर प्लेट हैंडल को आप कैसे फिट करेंगे, शावर को कैसे लगाना है, और यहाँ पे कार्टेज को आप कैसे खोलेंगे, क्लीन कैसे करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। और साथ में ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप अभी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं फिर किसी अगले वीडियो में नडाप के साथ।